इराक में 15 जून 2014 को अगवा किए गए 39 भारतीयों की आईएसआईएस ने हत्या कर दी। ये जानकारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में दी। विदेश मंत्री ने बताया कि भारतीयों के शव मोसुल शहर की बदूश पहाड़ी की एक सामूहिक कब्र से खोद कर निकाले गए। डीएनए टेस्ट के बाद 38 भारतीयों की पहचान हो सकी, एक की पहचान बाकी है। कल उन्होंने हमें खबर दी कि 38 लोगों का डीएनए मैच हो गया है और 39 में का डीएनए 70% मैच हुआ है, क्योंकि उसके माता पिता कोई नहीं और वो मारे गए हैं। डीएनए मैचिंग से बड़ा सबूत इसका नहीं हो सकता। मारे गए 39 भारतीय पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। इनके शव वापस भारत ले आने के लिए विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह इराक जाएंगे। कोशिश चल रही है हमारी कि 8-10 दिन के अंदर सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएं, क्योंकि वहां पे कोर्ट के ऑर्डर लेने हैं, जजेस का उसके ऊपर निर्देश लेना है, तब जाकर हम उनको लेकर आए। इराक में 39 भारतीयों की हत्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया और कहा कि सरकार ने 39 भारतीयों को तलाश करने की हर संभव कोशिश की। हालांकि 39 भारतीयों की हत्या को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए और माफी की मांग की। 7 बार विदेश मंत्रालय, सुषमा स्वराज जी और उनके सहयोगी मंत्री ने यह कहा कि सारे भारतीय जीवित हैं। प्रश्न ये है कि सरकार और सुषमा स्वराज जी और विदेश मंत्रालय इस पूरे देश को और उनके परिवारजनों को गुमराह क्यों कर रहे थे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने कहा कि लाशों पर सियासत करना गलत है।